ये मेरे लिए तो बिल्कुल सही काम होगा। रुको, ये तो मैंने पहली बार सुना कि किसी का गला काटने से पुण्य मिलता है। यहाँ क्या कर रहे हो? अगर नहीं पता कि क्या करना है तो पीछे हटो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सौंपी हुई ताकत का सही से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा होगा। मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूँ, याद है? मैं ये सब इसलिए नहीं सहूंगा क्योंकि तुम बहुत अमीर हो। इन्हें कहीं और ले जाओ। मारो उसे। तुमने कहा था कि ये सब लोग तुमसे 36 गढ़ कदम दूर होने चाहिए, अभी 36 तो हुए ही नहीं है। महाराज, अगर मैंने आपका छोकिया शुद्ध कर दिया है तो जाकर अमृत से नहा लीजिए। मैं तुझसे बदला लूंगा। फिलहाल के लिए खुद को ही बचा लीजिए। अगर इनकी तरफ आंख भी उठा के देखी। तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये कभी मत बोलना कि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। महाराज,
आपको ऐसे टाइम पर दुखी करने के लिए माफ करना, लेकिन आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। बताओ। चेरतला में आज कुछ अजीब हुआ था। हमारी सेना का प्रधान नंबी, उसने उस औरत को मारते मारते वहीं पर छोड़ दिया ऐसे ही। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, वो सारे के सारे नीचे जाति के। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि कोई भी अब वो टैक्स नहीं भर रहा। इस सब के लिए वही जिम्मेदार है। महाराज, अगर आप हमें आज्ञा दे तो हम उसे काल कोठरी में बंद कर देंगे। भारत में और कहीं आपको ऐसा टैक्स नहीं दिखेगा, ये बस यहाँ पर ही ऐसे टैक्स होते हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ से कन्याकुमारी तक सब कुछ जीत लिया था और हमारे राज्य को बढ़ाया। लेकिन ये भी सच है कि उस युद्ध में सिर्फ हमारी आर्मी नहीं थी, है ना? नहीं, उस समय काफी देशों के राजाओं ने हमारी मदद की। और फिर जब पैसे कम हो गए और उन राजाओं को वो नहीं मिल पाया जो कि उन्हें वादा किया गया था, तब उन्होंने ऐसे टैक्स लगाना शुरू किया। ऐसे नीचे जाति वाले लोग अगर हमें लगान ना दें तो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। लेकिन पढ़कर क्या तुम्हें पता है कि उन सभी की प्रॉपर्टी और तुम जैसे लोग टैक्स से बाहर है? और बाकियों का क्या? अमीर लोगों के पास किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेलायुधन ऐसा नहीं है। वो प्रतिदिन बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में देता है। इसके अलावा जब कभी कमी हो जाती है या किसी प्रकार की देरी होती है, वो अपना टैक्स एडवांस में दे देता है। इस बारे में सोचना होगा। तब तक आप ये कर सकते हैं कि पद्मनाभ स्वामी की और साथ में मेरी मान की रक्षा कीजिए, नहीं तो मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक्शन लेना होगा। अरे जल्दी आओ। हाँ बस आ गया।